23 जुलाई 2023 का दिन है, जल्दी से बोलूंगा, 1856 बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बड़े चेहरे लाल बाल पाल में से एक चेहरा। हाँ, बिल्कुल। आज के दिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था राजेश। और दूसरा एक और भारत की ही बात कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी जी और बहुत निडर क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद साहब। क्या बात, असली नाम था इनका चंद्रशेखर तिवारी। 1906 में पंडित जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भावरा में, अलीराजपुर जिला है आजकल, यहाँ का जन्म हुआ था। तो दोनों ही जो स्वतंत्रता सेनानी है, महान स्वतंत्रता सेनानी, उनकी स्मृति को नमन। दिव्य हिमाचल टीवी की ओर से 1982 ट्वाइलाइट जोन ये एक फिल्म का नाम है जी, हो सकता है आप में से ये देखी भी हो, हॉलीवुड की मूवी है ये, ट्वाइलाइट सागा वाली नहीं, सागा हाँ। ये 82 की मैं बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड की ये साईफाई है, साइंस फिक्शन फिल्म है। और राजेश बड़ी बात है, स्टीवन स्पीलबर्ग साहब ने ही इसे प्रोड्यूस किया था। कैलिफोर्निया में आज के दिन, जहाँ पे आपको पता है हॉलीवुड भी है, कैलिफोर्निया के एक एरिया है सेंटा क्लैरिटा राजेश, वहाँ पे इंडियन ड्यून्स नाम की जगह है, वहाँ पे शूटिंग चली हुई थी। शूटिंग का क्या सीन था कि पिक्चर के अनुसार, जैसे वियतनाम वॉर हुआ था ना, अमेरिका ने वहाँ हमला किया था, फिर आना पड़ा था अमेरिका को, तो अमेरिकन फौजियों को भी या वहाँ पे भी पकड़ लेते थे लोगों को। इस सीन में क्या शूटिंग हो रही थी कि एक व्यक्ति और दो बच्चे, वो वियतनाम में जो विद्रोही होते हैं उनके पास फंसे होते हैं, और किसी तरह से आर्मी उनका US एयरफोर्स को पता चलता है और वो उनको निकालने की कोशिश करती है। ये व्यक्ति और बच्चे जो हैं ये हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे आने लगता है। अब अभिनेता जो थे इसमें, जो व्यक्ति वो थे विक्टर मोरो साहब, एक बड़ा चेहरा, खास करके ये टीवी पे इनकी एक सीरीज आई थी उसमें ये बहुत पसंद किए जाते थे। और दो थे चाइल्ड आर्टिस्ट राजेश, माइका डेनले 7 साल की बच्ची थी ये, और रेनी शिन यी चेन ये 6 साल के बच्चे थे जी। एक 6 साल की बच्ची, एक 7 साल की बच्ची और एक बड़ा हॉलीवुड का एक्टर है। अब क्या था राजेश, ये हेलीकॉप्टर की ओर आते हैं और हेलीकॉप्टर मंडरा है, ऐसा दिखाना था कि इनको रस्सी फेंकी जाएगी या इनको उठाया जाएगा अगले शॉट में। बिल्कुल। हुआ क्या जी, हेलीकॉप्टर जब आया तो उसके रोटर में कुछ दिक्कत आ गई और हेलीकॉप्टर दड़ाम, 7 मीटर ऊपर था सिर्फ इनसे, और हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे, तीनों के मौके पर निधन, दुखद निधन आज के दिन हुआ था। ऐसा ही एक वाकया और है, हवाई दुर्घटना से ही जुड़ा हुआ, लेकिन वहाँ थोड़ा राहत की बात यह है कि सब बच गए। 1983 की बात राजेश, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप, अगर आपको इंटरेस्ट है एविएशन में ऐसे ही रहस्य रोमांच में, तो एक गिमली ग्लाइडर नाम से आप सर्च करेंगे, GIMLI और ग्लाइडर है ना, ये क्या बलाती राजेश, एयर कैनेडा का एक बोइंग 767 बड़ा विमान, ये फ्लाइट नंबर 143 ये आपके रिकॉर्ड के लिए वैसे बता रहा हूँ मैं, ये घरेलू उड़ान थी राजेश, ये मॉन्ट्रियल से उड़ती है और इसे जाना था एडमोंटन, इसमें ही अपने कैनेडा में ही जी। राजेश प्लेन उड़ता है और 12.5 किलोमीटर की हाइट पर प्लेन होता है और पता लगता है पायलट्स को, अरे दोनों इंजन बंद हो गए, देखते हैं वजह क्या है, फ्यूल खत्म जहाज में। पॉसिबल था, नहीं था, बड़ी अजीब दुर्घटना थी। अब क्या चाह रहा था, जहाज में कुल 59 लोग थे, 61 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे जी। 12.5 किलोमीटर ऊपर प्लेन में फ्यूल नहीं, लेकिन चलिए क्रू बहुत एक्सपीरियंस था, इन्होंने आसपास देखा कि नज़दीक में कोई क्या एयरपोर्ट है, क्योंकि अब जब फ्यूल खत्म हो गया तो वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता था जहाँ पे ये जा रहे थे एडमोंटन राजेश। वहाँ पे एक एयरफोर्स का बेस होता था गिमली नाम की जगह पे, पर एयरफोर्स ने उसे छोड़ दिया था और वो किसी प्राइवेट पार्टी ने ले लिया था, और यहाँ पे गिमली कार रेसिंग होती थी जी, कार रेसिंग क्लब के पास था ये, तो वो जो वहाँ पे स्ट्रिप थी उन्हें कार रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अब प्लेन के पास कोई चारा नहीं, क्योंकि नज़दीक यहीं तक पहुँच सकते थे, इंजन बंद था, लेकिन ग्लाइड करते हुए धीरे धीरे है ना, पायलट उसको लाए, जैसे एक कागज़ का जहाज उड़ता है उसे धीरे धीरे करके नीचे लाए, किसी न किसी तरह राजेश इन्होंने इसे उतार लिया। क्या बात, जहाज को नुकसान हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन जान किसी की नहीं गई। बाद में ये जहाज जो है इसे रिपेयर भी किया गया, 83 की मैं बात कर रहा हूँ, 2008 तक ये सर्विस में भी रहा। क्या बात, राजेश हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि उस समय पे पूरी दुनिया में ये जो था सिस्टम जो हम किलो में और उसमें बांटते हैं है ना जी, इसको पहले वहाँ पे जो वज़न होता था कनाडा में उसको मापते थे पाउंड्स में, जैसे ब्रिटेन में भी पाउंड में एक तो करेंसी होती है और एक वज़न के लिए पाउंड होता है, और एक पाउंड जो होता है वो लगभग 454 ग्राम का होता है, मतलब एक किलो में 2.25 आप ये समझ लीजिए कि पाउंड आ जाते हैं वजन के हिसाब से, उतने बट्टे रख सकते हैं यहाँ पर। तो जब ये प्लेन में वो भरा गया था
तो प्लेन का जो कंप्यूटर थे वहां पे भरा जाना चाहिए था किलोमीटर के हिसाब किलोस के किलोग्राम के हिसाब से, लेकिन ये जो भरने वाले थे उन्होंने पाउंड्स में भर दिया वो, और जाहिर है फिर वो 45% ही था कुल वो जितना उसका चाहिए था, तो फिर ये हादसा होना था, लेकिन बड़ी बात की क्रू ने बचा लिया। अनुभव बोलता है जी, बिल्कुल सही है।